नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। रामचरितमानस को अपमानित कर बैन करने की मांग कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौर्य की मांग को जैसे ही अखिलेश ने समर्थन किया, वैसे ही मौर्य की भव्य और तन गई और खुद को हाथी बता दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं और बड़े कही जाने वाले इन नेताओं की पलकी भी नहीं झपकाई। लेकिन यूपी पुलिस की आंख खुली थी और वो सब कुछ देख रही थी। अब उसी नजर से मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के मामले में केस दर्ज किया गया है। खुद लखनऊ पुलिस ने बताया कि मौर्य सहित 10 नामजद और बाकी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय OBC महासभा सड़कों पर उतर आया था। OBC महासभा ने PGI के वृंदावन योजना में रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर इस विवाद को हवा दी थी। OBC महासभा के इस कदम को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर लिखा था कि अखिलेश से मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा श्री रामचरितमानस को लखनऊ के वृंदावन योजना में जलाए जाने की खबर हृदय विदारक है। हमें विश्वास है कि यूपी पुलिस हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। अखिल भारतीय OBC महासभा के पदाधिकारी देवेंद्र यादव ने कहा, रामचरितमानस में जो भी आपत्तिजनक टिप्पणियां नारी सशक्तिकरण के खिलाफ, शूद्रों या फिर दलित समाज पर और OBC के खिलाफ हैं, इन्हें रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं रामचरितमानस जलाए जाने को लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम कभी सफल नहीं होगा। रामचरितमानस जलाना दुखद है। रामचरितमानस पर ये पहली बार हमला नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये लोग इस तरह की हरकत कर चुके हैं। रामचरितमानस में अगर कुछ विवादित है तो वो बहस का मुद्दा है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन किसी धार्मिक ग्रंथ को खुलेआम सड़क पर जलाना एक अमर्यादित रवैये का प्रदर्शन है और अखिलेश यादव जैसे नेता को ये शोभा नहीं देता। लेकिन अब अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को जितना भी सर चढ़ा ले, उन्हें जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार।